अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण से पहले देश भर में निधि जुटाने निकले कार्यकर्ताओं को तमाम ऐसे राम भक्त मिल रहे हैं जिनकी आस्था किसी को भी भावुक कर दे। राजस्थान के जोधपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के सारे जेवर राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दिए। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर में राम मंदिर के लिए दान का अनोखा मामला सामने आया। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के लाखों के गहने खुशी खुशी राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिए और अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा को पूरा किया। दरअसल पति ने निधि जुटा रहे दल को 4 फरवरी को फोन कर बताया कि उनकी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि सारे जेवर राम मंदिर निर्माण के लिए दिए जाएं। ये मामला जोधपुर के सूरसागर भूटिया का है। मृत्यु से पहले आशा कंवर नाम की महिला ने 1 फरवरी को अपने पति और बेटे मनोहर सिंह से अपने जेवर मंदिर निर्माण के लिए समर्पित करने की इच्छा जताई थी। पति और बेटे ने इससे रजामंदी जताते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि वे जल्द पता करेंगे कि कैसे ये गहने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए जाएं। आशा के गहनों में आड़, कानों के झुमके, शीश फूल, हाथ के नोकरी, गले की चैन, 2 जोड़ी टॉप्स, 1 जोड़ी अंगूठी, 1 बोर, कान की बालियां, 1 अंगूठी शामिल थी। बता दें कि 1 फरवरी को पति बेटे के सामने राम मंदिर के लिए दान देने की इच्छा प्रकट करने वाली आशा कंवर कोरोना से संक्रमित हो चुकी थी। 3 फरवरी को रूटीन चेकअप के लिए जब अस्पताल गयी तो फेफड़ों का संक्रमण बता उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। अगले दिन सुबह 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के बाद परिवार के लोगों ने आशा की अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया और उनके गहने समर्पण निधि अभियान के कार्यकर्ताओं को सौंप दिए। गहने सौंपते हुए आशा कंवर के सभी परिजनों की आंखों में आंसू थे, वहीं समर्पण निधि अभियान चलाने वाले भी ऐसी आस्था देख हैरान थे। आशा कंवर की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए पति ने उनके लाखों के गहने राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिए। गहनों के दान और आशा के परिवार की आस्था देख हर कोई हैरान रह गया है। दरअसल आशा कंवर की कोरोना से मौत हो गई थी और मरने से पहले उन्होंने अपने गहने राम मंदिर निर्माण के लिए दान करने की इच्छा जताई थी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशन ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।